मैं कह रही हूं ना तुमसे नहीं चलेगा। उठा लाए कैमरा, पैसे बिगाड़ते रहते हो आप भी, चल गया चल गया। मोबाइल से ही कर अरे लेते। तुम कैमरे की बात कर रहे हो, मैं हेलीकॉप्टर उड़ा दूँ। अब देखो मैं यहाँ बैठूँगा, ठीक है? और तुम ये रेड बटन है ना, इस रेड बटन को ऑन करना, फिर मैं डायलॉग बोलूँगा, ठीक है? यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी। रुको, हाँ ऑन करो। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वणक्कम, केम छो, एंड फाइनली। सुनो, इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं चल रहा। अरे हेलीकॉप्टर उड़ाओगे, कैमरा तो चल नहीं रहा आपसे। सो वेलकम टू अवर चैनल, कम टू माई पैराडाइज। कैमरा हमारा चल गया है, दिस इज विजय एंड शी इज माई वाइफ पूजा। इनको यकीन नहीं था कि ये कैमरा चलेगा, चला दिया, हेलीकॉप्टर उड़ा सकता हूँ मैं। सो आज हम लोग हैं इस ऐतिहासिक नगरी जोधपुर शहर में, और यकीन मानिए ये बहुत ही मार्वलस शहर है। और जब आप ये व्लॉग हमारा पूरा देखेंगे तो आप जोधपुर आए बिना नहीं रह पाएंगे। इससे पहले कि इस शहर के कौन कौन से पॉइंट्स आपको एक्सप्लोर करने चाहिए ये आप हमारे साथ देखें, हम चाहते हैं कि आप इस जोधपुर शहर को ऐतिहासिक नगरी क्यों कहा जाता है, यहाँ के ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं वो भी आपको जान लेने ज़रूरी हैं। तो हम चाहेंगे कि आपको यहाँ के एक छोटा सा इतिहास, एक फैक्ट भी आपको दिखाया जाए। तो शुरू करते हैं, और तुम कुछ बोल नहीं रही, तुम भी तो बोलो। मैं क्या बोलूँ, सारा स्क्रिप्ट भूल जाती है, स्क्रिप्ट भूल जाती है तुम। कोई नहीं, मेरे डायलॉग भी सारे आपने बोल दिए। चलो तो नाम बता दो। पूजा। पूरा नाम बताओ। पूजा भसीन। शादी के बाद वाला पूजा मेहरा। पूजा भसीन ही है। नहीं, पूजा मेहरा शादी के बाद। अरे नाराज हो गई। जोधपुर, द किंग ऑफ मारवाड़, द लैंड ऑफ रॉयल्स, और कई सारे उपनामों से विख्यात
ऐतिहासिक नगरी जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसकी स्थापना राव जोधा जी ने 12 मई 1459 ईस्वी में की थी। इसकी पहचान ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों से तो होती ही है, पर सबसे ज्यादा समय तक सूर्य चमकने के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। दुर्ग को घेरे हुए हजारों आसमानी रंगों में रंगे हुए घरों के कारण इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। कहते हैं कि ब्राह्मण जाति के लोग दूसरों से अलग दिखने के लिए अपने घरों को भगवान शिव के रंग में आसमानी रंग से रंगवाते थे। साथ ही सूरज की गर्मी से बचाव और ठंडा रहने के कारण अब बहुत लोगों ने इसी रंग में अपने घरों को रंगा रखा है। नीले रंगों से रंगे इन घरों के बीच से जब आप निकलोगे तो इनका आकर्षण स्वतः ही आपका मन मोह लेते हैं और आप अपनी फोटो खिंचाए बिना यहां से नहीं आ पाओगे। साफे, सूट, मोचड़ी, हैंडीक्राफ्ट, लाख के काम, बंधेज, फैब्रिक वर्क्स, टेक्सटाइल, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम्स और आकर्षक दरियां जो पिछले 700 सालों से भी यहाँ की पहचान बनाए हुए हैं। यहाँ के मसाले भी अपने स्वाद के कारण दुनिया भर में मशहूर हैं और कहते हैं कि यहाँ की मथानिया मिर्ची तो पैदा होने से पहले ही बिक जाती है। मारवाड़ महोत्सव, लोकगीत, राजस्थानी फूड, जोधपुर की प्याज की कचौड़ी, मिर्ची बड़ा, दाल बाटी चूरमा और मखनिया लस्सी अपने स्वाद के लिए बेहद मशहूर हैं। इन्हें खाए बिना आपका जोधपुर आना अधूरा ही रह जाएगा। जोधपुर स्थित सबसे आकर्षक मेहरानगढ़ का किला भारत के विशालतम किलों में से एक है। ये शहर से 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। महल के अंदर बहुत सारे पैलेस हैं जो अपने जटिल नक्काशी और महंगे आंगन के लिए प्रसिद्ध हैं। यह है भारत का एकमात्र मजबूत किला है जो कि ऊपर से देखने पर भारत के नक्शे व मयूर जैसा दिखता है। यहाँ पहुँचने के काफ़ी संसाधन हैं। आप यहाँ बाय प्लेन आ सकते हैं जो कि लगभग सभी बड़े शहरों से कनेक्टेड है, बाय ट्रेन और बाय बस भी आ सकते हैं। आप चाहें तो हमारी तरह बाय कार भी आ सकते हैं और यकीन मानिए राजस्थान की रोड्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के बज गए हैं 6 और हम लोग हैं रेडी जाने के लिए तूर जी का झलरा। ये बेसिकली एक स्टेप वेल है जो कि उस जमाने में बनाया गया था जब ना तो कोई सीमेंट थी, ना कोई सरिया था, सिर्फ पत्थर थे। उस पत्थर को कैसे घड़ा था, कैसे बनाया था और कितना शानदार उसको बनाया गया है, मतलब डाक टिकट पे जिसको स्थान मिला हो तो आप समझ सकते हैं कि कितनी शानदार चीज़ होगी। आपको दिखाने जा रहे हैं तूर जी का झलरा। और पूजा तो बिल्कुल रेडी है, मैं बिल्कुल नहीं नहाया हूँ क्योंकि एक्चुअली तूर जी का झलरा में और ऊपर से कूद के वहीं नहाएंगे। हेलो, तैरना आता है? तैरना सीखेंगे, आज सीखेंगे तो तैरना आज सीख लेंगे। हाँ बिल्कुल, अरे हेलीकॉप्टर चला सकता हूँ, हेलीकॉप्टर उड़ा सकता हूँ, तैरने में क्या दिक्कत है। आप जब भी यहाँ आए तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ क्लॉक टावर, सरदार मार्केट होते हुए पुराने शहर के मकराना मोहल्ला आ जाएं। यह इलाका चारों तरफ से हेरिटेज गेस्ट हाउस से घिरा हुआ है। इनके रूफटॉप रेस्टोरेंट से आप सूर्यास्त का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ से मात्र 10 मिनट की दूरी पर ही सभी पर्यटन स्थल है। आप पैदल भी वहाँ पहुँच सकते हैं। They say
तूर जी का छाल रहा। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की महारानी तंवर तूर ने 1740 ईस्वी में इस झालरा को बनवाया था, जिसके कारण इसका नाम तूर जी का झालरा पड़ा। इसका उपयोग स्थानीय महिलाएं अपने दैनिक उपयोग के लिए किया करती थीं। यह दशकों से पानी में डूबा हुआ था व कुछ ही समय पूर्व इसके जीर्णोद्धार से 200 फीट गहरी ये बेमिसाल विरासत सामने आई और आज यह देशी विदेशी पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षण का केंद्र है। डाक विभाग द्वारा डाक टिकट पर भी इसको स्थान दिया गया है। आप जब भी यहाँ आएं, सुबह सुबह यहाँ आकर इसका आनंद जरूर उठाएं। जोधपुर के सबसे मशहूर और रंगीन मार्केट सरदार मार्केट में यह महाराजा सरदार सिंह जी ने सन 1880 ईस्वी में बनाया था। इसके बीचों बीच क्लॉक टावर बना हुआ है। और इसके चारों तरफ लगभग 7000 से भी अधिक दुकानें हैं। आप यहाँ पर ढेरों शॉपिंग कर सकते हैं। सरदार मार्केट के पास स्थित मकराना मोहल्ले में एक शॉप है, बिश्नोई विलेज आर्ट एम्पोरियम। इसको दो भाई विक्रम और सुरेश चलाते हैं। ये दोनों बेसिकली पास ही स्थित बिश्नोई विलेज से बिलोंग करते हैं। इनके एम्पोरियम में ढेरों वैरायटीज हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। खास बात, इनकी हॉस्पिटैलिटी, आदर सत्कार करने का तरीका आपका मन मोह लेगा और आप अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझेंगे। हमारा काम बहुत देखने लायक, जब भी जोधपुर आओ तो पूरा विश्वनाथ जरूर जाए। ये सफाई के लिए भी बहुत सहायक है। जोधपुर के महाराजा ने अपने सैनिक भेज के अपनी सारी हैंडमेड प्रोडक्ट्स की वैरायटी तो ये बताते ही हैं, पर ये अपने गांव की संपूर्ण जानकारी, पशु व पेड़ों से असीम प्रेम, चिपको आंदोलन और पेड़ों के लिए अमृता देवी विश्नोई व 363 लोगों के बलिदान की कहानी भी सुनाते हैं, जो शॉपिंग के साथ साथ आपका ज्ञान और पेड़ों व जानवरों के लिए आपका प्रेम भी बढ़ाते हैं। आप जब भी यहाँ आए, इनके यहाँ जाकर इनका उत्साह जरूर बढ़ाएं। हिरण के लिए तो हम कभी भी उनके लिए दान दे सकते हैं। मेरे दादाजी चुनी लाल जी उधर असली थे। सो आपने देखा इस व्लॉग का ये पार्ट 1। चूंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लेकर आएंगे इसका पार्ट 2, जिसके अंदर हम दिखाने वाले हैं आपको मेहरानगढ़ का किला।
उस मेहरानगढ़ के किले की जब झलकियां आप देखेंगे इस ब्लॉक के अंदर, तो आप अभिभूत हो जाएंगे। क्या शानदार महल बना हुआ है, क्या आर्किटेक्चर है, क्या डिज़ाइन है। मतलब उस ज़माने में इस तरह की डिज़ाइन करना, इस तरह का आर्किटेक्चर, उसे देखना ना भूलिएगा। और इस ब्लॉग में अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो इस ब्लॉग को आप लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइक तो आपको भर भर के करना ही है। आफ्टर ऑल मुझे दिखाना है अपनी वाइफ को कि मैं ब्लॉगिंग भी कर सकता हूँ, मैं हेलीकॉप्टर उड़ा सकता हूँ। कीप वॉचिंग।